त्यागमूर्ति गोस्वामी गणेश दत्त मिशनरी अस्पताल मखदूमपुरा जालंधर में निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप तथा आंखों का फ्री ऑपरेशन कैंप लगाया गया। इस कैंप में शुगर टेस्ट निःशुल्क किए गए तथा उपलब्ध दवाइयां भी निःशुल्क दी गई। इस कैंप का उद्घाटन दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के AGM राजेश कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने अस्पताल द्वारा की जा रही लोगों की सेवा की भरपूर प्रशंसा की और कहा कि और संस्थाओं को भी इसी तरह के सेवा कार्य प्रत्येक शहर तथा अन्य स्थानों पर करने चाहिए। इस कैंप में डॉक्टर JS भाटिया, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर भूपिंदर सिंह, डॉक्टर प्रियंका जैन, डॉक्टर राजेश चांदना, डॉक्टर पिंकी अरोड़ा, डॉक्टर सृष्टि सरीन, डॉक्टर नितिन अवस्थी और डॉक्टर साबिया अरोड़ा ने मरीजों की जांच की। इस अवसर पर लगभग 400 के करीब रोगियों की जांच की गई। इस मौके पर चेयरमैन वीरभूषण आचार्य, हरिमित्र महाजन, मनोहर महाजन, महेश चंद्र, अशोक भाटिया, परसराम धर्मपाल शर्मा, BD शर्मा, पार्षद शैरी चड्ढा भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अज बहुत चंगा लग रहा त्यागमूर्ति हॉस्पिटल आके जिते गरीबों की सेवा निःशुल्क हो रही है और मैं देख रहा इतने लोग अपने टेस्ट भी करा रहे, OPD भी डॉक्टर अच्छी कर रहे, इतने आके बहुत वधिया महसूस हो रहा। इतने मेरे बड़े वीर श्री शीतल वीर जी जिन्हों की अगुवाई हेठ सारा कार्य होंदा, मैं सोसाइटी को बेनती करता मैं मेरी भी कोई परसनल सेवा लगानी तो भी लगाओ जी, तो जो कोई सरकार वालों कोई फंड लेके आना उसके वास्ते भी मैं हमेशा हाजिर हाँ। मैं दस दिन जिस चीज़ की जरूरत होगी मैं इन्होंने प्रोवाइड करा के दें। त्यागमूर्ति गोस्वामी गणेश दत्त हॉस्पिटल में फ्री आई ऑपरेशन और फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया। इसमें हर तरह से जो शुगर थी वो भी फ्री की गई, टेस्ट भी किए गए और दवाइयाँ भी मुफ्त दी गई हैं। जो सेवा अस्पताल से बन पड़ती थी हमने करने की कोशिश की है। इस अस्पताल की स्थापना परम पूजनीय ब्रह्मलीन श्री विश्वनाथ जी आचार्य जी ने की थी। उन्होंने एक नारा दिया था कि जो अस्पताल है इसको अपनी बेटी समझना है और बेटी के लिए जो हिंदू में स्थान है कि जहाँ पर भी मिले, चाहे घर में मिले, बाहर मिले या कहीं बाजार में मिले, तो उसको देना ही देना है, कुछ लेना नहीं। तो इसी भावना से जो सारे ट्रस्टी हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज भी लगभग 400 के करीब मरीजों को देखा गया है। MD और MS डॉक्टर और MDS वगैरह डॉक्टर जो हैं वो लोगों की सेवा में रहते हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमें सामर्थ्य दे कि हम इस सेवा में लगातार चलते रहें। सबसे बड़ी बात जो है कि अस्पताल जब काफ़ी देर बंद रहा तो शीतल जी ने इसको चालू करवाया। मैं हृदय से सदा उनका आभारी रहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इनको लंबी आयु दे और वो समाज के कार्यों में अपने योगदान डालते रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् बाधा। आज 18 मई 2023 त्यागमूर्ति चैरिटेबल हॉस्पिटल द्वारा अखा का ऑपरेशन का जनरल हेल्थ चेकअप का कैंप लगाया गया। त्यागमूर्ति हॉस्पिटल इस शहर का सब तो पुराना 1985 तो चालू है और ये तकरीबन 38 साल तो इस इलाके के बंद इस इलाके जनता की सेवा कर रहे हैं। मैनू पहला भी इस अस्पताल आने का मौका मिले, बड़े इस अस्पताल दे विच बड़े कंपीटेंट ते वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और बहुत ही नॉमिनल रेट्स से आलमोस्ट फ्री रेट्स से चैरिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू ना लोगों की सेवा कर रहे। तो यह साड़ी सोसाइटी नू इदां दे उपरालियां दी बहुत जरूरत है। मैं ये इच्छा है मेरी कि साढ़े जलंधर शहर दे विच और पंजाब दे बाकी भी शहरों दे विच त्यागमूर्ति चैरिटेबल ट्रस्ट वर्गे होर सानू हर शहर के 100 त्यागमूर्ति हॉस्पिटल चाहिए। मेरी इन्हों ट्रस्ट में बड़िया शुभकामनावान ने तो बहुत आई एम थैंकफुल टू दम कि सोसाइटी की इन्नी सेवा कर रहे। मैं विश करता कि ये दिन दूगनी रात दुगनी होंगी।